बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ काले मिर्च चिकन टिक्का। तो यहाँ पे हमने लिया है 750 ग्राम चिकन है, इस तरह से हमने पीसेस कर लिया है। ये देखिए इतनी मोटी पीसेस कर लिएगा आप लोग, ज़्यादा मोटी नहीं रखेगा नहीं तो फिर ये जूसी नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने देखिए कट कर लिया है, सारे चिकन को हमने काट करके साफ कर लिया है, बिल्कुल पानी इसका निकाल दिया है। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून यह है लेमन जूस, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1.5 टेबल स्पून ये हमने लिया है क्रश किया हुआ काली मिर्च, और यह है स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले इन सब तीन चारों चीज़ों को मैं डाल दूंगी और इसको मिला के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और जब तक चिकन इसको जो है चिकन मैरिनेट करना है तो वो तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले इनको मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से मिला दिया है सारी चीज़ों को। अब मैं दूसरी तरफ चल रही हूँ, जो इसके चिकन वाला है वो तैयार कर लेती हूँ मसाला। यहाँ पे जो हम चिकन वाला करने वाली हूँ, चिकन में मसाला मिलाने वाली हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने लिया है 4 टेबल स्पून इसी चम्मच से हमने भर के मलाई लिया है, ये होममेड घर की मलाई है दूध पर की, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं 4 टेबल स्पून। यहाँ पे हमने लिया है 4 टेबल स्पून दही, दही बिल्कुल गाढ़ी है ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह से होनी चाहिए। अगर गाढ़ी नहीं पतली है तो इसको जो है मलमल के कपड़े में रख दीजिए या छन्नी वगैरह में रख दीजिए, 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो एकदम पूरा पानी इसका निकल जाएगा, पूरा गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी दही। यहाँ पर हमने लिया है 18-20 काजू लिए थे, हमने इसको गर्म पानी में भिगा दिया था। उसके बाद इसको 1/2 घंटे के बाद ये देखिए इसका इस तरह हमने गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया आप देख सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए स्पाइसी, वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने लिया है 2 टेबल स्पून काली मिर्च, दरदरा सा कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं लेना है, कुटा हुआ लेना है। यहाँ पे हमने लिया है बिल्कुल 1/2 टीस्पून थोड़ा सा कम काला नमक, 1/2 टीस्पून जो है हमने लिया है सादा नमक जो अपना रेगुलर वाला है, और 1/2 टीस्पून हमने लिया है गर्म मसाला, 2 टीस्पून हमने लिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लिया है ये जो क्या बोलते हैं इसको इलायची पाउडर, यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी। अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिला लेती हूँ। यहाँ पे हमने तसला लिया है, इसमें डाल दूंगी, इसमें सारे मसाले को अच्छे से मिलाना है। हाँ सारी चीज़ें डाल देती हूँ एक साथ में। यहाँ पे हमने क्रीम डाल दिया है, दही डाल दिया है, और यहाँ पे हमने जो काजू का पेस्ट भी लिया है वो भी डाल देती हूँ अच्छे से। अब इसको इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। यहाँ पे देखिए हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है, अब क्या करूँगी। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गया है इसको रखे हुए, तो अब मैं इसका जो पानी अच्छे से दबा के इस तरह से हाथ से दबा दबा के सारा पानी निकाल दूँगी, फिर इसमें चिकन को डालूँगी इस तरह से, देखना इसी तरह से हम सारे जो है निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ इसमें पानी बहुत सारा सा निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने चिकन को पूरा अच्छे से निचोड़ा है, तो इस तरह से देखिए इतना पानी निकला है इसका। आपको पानी को एकदम बिल्कुल निचोड़ के ही डालना है चिकन को, मैंने दोनों हाथ से दबा दबा के भी निकाला। अब इसको चलिए अच्छे से मिला लेती हूँ वापस से, और फिर इसमें मैं जो है स्मोक देने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने चिकन को अच्छे से मिलाया, अभी इसमें गड्ढा से कर दिया है। यहाँ पर मैं रखूँगी एक कटोरी और इसमें डालूंगी जलता हुआ कोयला। तो यहाँ पर देखिए हमने कोयला रख दिया है, और इसमें डाल दूंगी आप घी तेल कुछ भी डाल सकती हैं। तो यहाँ मैं तेल डाल रही हूँ और इसको बंद करके 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए इस तरह से बंद कर दिया है, और इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी, और इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी, मैं ओवर नाइट रखने वाली हूँ। आप चाहिए तो इसके बाद आप फ्राई कर सकते हैं, तो सेक सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट हो गया है, तो हमने इसको खोला, इसमें से इतनी अच्छी मसाला से खुशबू आ रही है। तो चलिए मैं इसको इसी बाउल में निकाल के रख देती हूँ जिसमें से हमने पहले रखा हुआ था, तो इसको फ्रीज कर देती हूँ। और जब आपको फ्राई करना है तब आप फ्रीजर से निकाल के 5-6 घंटे के लिए आप जो है 3 से 4 घंटा भी रखेंगे फ्रीज के अंदर, तो आपका वो बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी पानी नहीं होगा। ये देखिए अब इसको हमने भर के इसमें रख दिया है, अब इसको रख देती हूँ। जब हमको फ्राई करना होगा तो उसमें से निकालूंगी, फिर स्टिक में लगाऊंगी, उसके बाद फ्राई करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं 5-6-7 घंटे के बाद। हमने चिकन को फ्रीज से निकाल लिया है, फ्रीजर में था उसमें से, फिर हमने 4 से 5 घंटा हमने फ्रीज में रखा। इस तरह से देखिए मेल्ट हो चुका है, यह पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है चिकन स्टिक, हम इसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं जो है थोड़ी चीज़ और मिलाने वाली हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखा करें, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया और शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है मोजिला चीज़ 4 टेबल स्पून है, वो भी इसमें डालूंगी। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्ची ली है और 1 मुट्ठी हरी धनिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के फिर मैं स्टिक में लगा लेती हूँ।
तो यहाँ पे हमने देख लिया स्टिक ले लिया, हम इस तरह से एक एक पीस लेंगे और हम इसमें लगा देंगे। आप इसमें 3, 4, 5 जो भी लगा सकती हैं लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे 3 पीस लगा रही हूँ। इसी तरह से हम सारे जो है चिकन का टिक्का, काली मिर्च टिक्का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने चिकन स्टिक सारे तैयार कर लिया है। अब इसको जो है मैं फ्राई करने जा रही हूँ, तो मैं आपको फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करना है इसको। यहाँ पे देखिए हमने फ्राई पैन रख दिया, इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। तो आप फ्राई पैन या तावे पे देखिए तो हाई एकदम हाई फ्लेम पे आपको इसको खूब गर्म करना है ताकि जो है आपका चिकन अच्छे से हो जाए। तो चलिए मैं चिकन को रख रही हूँ इसमें एक एक करके। ये देखिए इस तरह से ये देख रही हूँ, एक साइड में 3 से 4 मिनट लग जाता है इसको पकने में। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो गया, तो मैं इसको इस तरह से देखिए पलट देंगे। तो हमने यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको शायद भूल गए होंगे, तो इसमें हमने कॉर्नफ्लोर भी 2 टेबल स्पून डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती हैं और यहाँ पे आप जो है बेसन भी डाल सकती हैं, सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने डाला है, ठीक है। मैंने शायद भूल गए आपको बताना, इस तरह से आपको पलट पलट कर सेव करना है, ठीक है। देखिए हमने इस तरह से पलट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी काली मिर्च चिकन टिक्का बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मेरी वीडियो को एक फिर से वापस से मैं बता रही हूँ, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इसलिए मैं कुछ चीज़ें बाद में डालती हूँ, ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं किस चीज़ से खाने वाली हूँ, गांव से आया है मेरे यहाँ शीरमाल, हमारे बहन बहनोई आए हुए हैं तो उन्होंने शीरमाल लाया, तो हम शीरमाल से ये काली मिर्च चिकन टिक्का कबाब खाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरी वीडियो होती है खलास। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।